हाल ही में किए एक अध्ययन में पता चला है कि बुध की सतह के नीचे सैकड़ों मील तक हीरे की एक मोटी परत मौजूद हो सकती है। बीजिंग में सेंटर फॉर हाई प्रेशर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड रिसर्च के एक वैज्ञानिक और अध्ययन के सहलेखक यानाओ लिन ने कहा है कि बुध की अत्यधिक उच्च कार्बन सामग्री ये बताती है कि शायद इस ग्रह के आंतरिक भाग में कुछ विशेष हुआ है। उन्होंने बताया कि बुध ग्रह में एक चुंबकीय क्षेत्र है, हालांकि ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। इसके अलावा नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुध की सतह पर असामान्य रूप से काले क्षेत्रों की खोज की, जिसे उसने ग्रेफाइट, एक प्रकार के कार्बन के रूप में पहचाना है। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन ग्रह की संरचना और असामान्य चुंबकीय क्षेत्र पर प्रकाश डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह संभवतः गर्म लावा महासागर के ठंडा होने से बना है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य स्थलीय ग्रहों का विकास हुआ। बुध के उद्गम की बात करें तो जिससे ये उत्पन्न हुआ है वह महासागर संभवतः सिलिकेट और कार्बन से समृद्ध था। ग्रह की बाहरी परत और मध्य मेंटल का निर्माण अवशिष्ट मैग्मा के क्रिस्टलीकृत होने से हुआ, जबकि धातुएं पहले इसके भीतर एकत्रित होकर एक केंद्रीय कोर बनाती थी। कई सालों तक वैज्ञानिक मेंटल में तापमान और दबाव को कार्बन के लिए सही मानते रहे, जिसमें ग्रेफाइट बनती है। मेंटल से हल्का होने के चलते ये सतह पर तैरता रहता है। हालांकि 2019 के एक अध्ययन से पता चला है कि बुध का आवरण पहले की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक गहरा हो सकता है। इससे मेंटल कोर सीमा पर तापमान और दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां कार्बन हीरे में क्रिस्टलीकृत हो सकता है। इस संभावना को देखने के लिए बेल्जियम और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कार्बन, सिलिका और लोहे का उपयोग करके रासायनिक मिश्रण तैयार किया और उसमें आयरन सल्फाइड की विभिन्न सांद्रताएं डाली। वैज्ञानिकों ने मल्टीपल एनविल प्रेस का उपयोग करके रासायनिक मिश्रणों को 7 गीगापास्कल का दबाव दिया। दबाव की यह मात्रा ये समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से 70,000 गुना अधिक है। ये कठोर परिस्थितियां बुध के भीतर गहराई में पाई जाने वाली परिस्थितियों को दर्शाती हैं। बुध के कोर मेंटल सीमा के पास तापमान और दबाव की सटीक माप के लिए कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हीरे मौजूद हैं, तो वे एक परत बनाते हैं जो आमतौर पर लगभग 15 किमी मोटी होती है। हालांकि इन हीरों का खनन संभव नहीं है। ग्रह पर अत्यधिक उच्च तापमान के अलावा हीरे सतह से लगभग 485 किमी नीचे स्थित हैं, जिसे निकाल पाना असंभव है। लिन के अनुसार हीरे मेंटल और कोर के बीच गर्मी के हस्तांतरण में सहायता कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में अंतर होगा और तरल लोहे का घूमना, जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा।